વાર્તા 86 સંવત 1965 ના ચૈત્ર શુદ્ધ ત્રીજને રોજ સવારે સભામાં પ્રથમ પ્રકરણનું 20મું વચનામૃત વંચાતું હતું। તેમાં જે ભગવાનના પ્રતાપને વિચારીને અંતરદૃષ્ટિ કરે છે તે તો પોતાના સ્વરૂપને અતિશય ઉજ્જવળ પ્રકાશમાન જુએ છે અને તે પ્રકાશને મધ્યે प्रत्यक्ष एवा जे श्री पुरुषोत्तम भगवान तेनी मूर्ति ने जुए छे ने नारद सनकादिक जेवो एटले मुक्त जेवो सुखियो पण थाय छे। एम बात आवी त्यारे बापाश्री बोल्या जे जेम मंदिर मां मूर्ति होय तो मंदिर कहेवाय अने मूर्ति न होय तो मंदिर न कहेवाय। तेम जेने मूर्ति आत्मा ने विषय साक्षात देखाय ते पूरो साधु कहेवाय अने जेने अंतर ने विषय मूर्ति देखाय ते मध्यम साधु कहेवाय अने जेने अखंड स्मृति रहे ते कनिष्ठ साधु कहेवाय अने आज्ञा तो ए त्रणे यथार्थ पाड़ता होय अने आज्ञा यथार्थ पाड़े पण अखंड स्मृति न रहे ते चालो चाल कहेवाय अने जे आज्ञामां फेर पाड़े ते तो स्वामीनारायणनो कहेवाय ज नहीं। माटे साधुनो वेश लीधे साधु न कहेवाय अने सत्संगीनो वेश लीधे सत्संगी न कहेवाय। जेम राजाने घेर भिखारणनो चाल्लो थयो होय तो ते एम जाणे जे मारो पति राजा छे तेथी तेने भिखारणनो धंधो जे मागी खाव ते गमेज नहीं अने मलिन स्वभाव सर्वे मुकी दे। तेम जेने एवो निश्चय होय जे मारा पति श्रीजी महाराज छे ने मुक्त प्रगट मळ्या छे एवो विश्वास अति दृढ़ होय ते काम क्रोध मान स्वाद ए आदिक दोष मुकी देने श्रीजी महाराज में वृत्ति जोड़ी राखे अने एक मूर्ति विना बीजे क्याय राग राखे नहीं अने महाराज तथा तेमना मुक्त ने विषे दृढ़ प्रीति राखे ने कोई विषय ने विषे तथा ऐश्वर्य ने विषे प्रीति न राखे तो ते सुखियो थई जाए। वार्ता 86 पूर्ण।